नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेव शक्ति महारानी मेगड़ा विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखक हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित बुलबुल पर कविता पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। बच्चन जी के जन्म 1907 में प्रयाग में होता है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर स्नातकोत्तर अध्ययन तक वे वहीं संपन्न करते हैं। अंग्रेजी में एमए करने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनके नियुक्ति अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में होती है। 1952 में वे इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां अंग्रेजी साहित्य जगत के श्रेष्ठ लेखक कीट्स पर शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त करते हैं। 1955 में विदेश मंत्रालय में भारत सरकार हिंदी के विशेषज्ञ के रूप में उनकी नियुक्ति करती है। 1932 से 72 तक एक लंबे अरसे तक वे साहित्य कृतियों का निर्माण करते हैं। 1935 में मधुशाला लिखते हैं। मधुशाला लिखने के बाद काव्य जगत में, हिंदी काव्य जगत में वे सर्वाधिक श्रेष्ठ लेखक के रूप में उभर कर आते हैं। इनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आखुलंथर, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका आदि प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इनके अलावा गद्य संरचना भी उन्होंने की है, क्या बोलू क्या याद करूं, नीट का निर्माण, फिर प्रयास की डायरी और बसेरे से दूर। दोस्तों, 1935 में वे मधुशाला लिखते हैं। हालावादी कवि मानने वाले बच्चन जी उन दिनों में सचमुच काफी हिम्मत करते हैं, क्योंकि हम समाज में जो कुछ विचारों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन केवल कवि ही उसे सही मायने में, उसे शब्दों के जाल में सही ढंग से उसे प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से जीवन को काफी करीब से देखने वाले हरिवंश राय बच्चन बहुत सुंदर ढंग से लिखे हैं बुलबुल। बुलबुल पंछी के सहारे बहुत सारे विचार, श्रेष्ठ विचारों को व्यक्त करते हैं। कहते हैं, सुरा पी मद पी कर मधुपान, रही बुलबुल डालों पर बोल। मधुपान करके सुरीले आवाज में बुलबुल गा रही है, कौन उसे उसके आवाज पसंद नहीं करेंगे। तो इससे पहले वो कहते हैं, लिए मादकता का संदेश फिरा मैं। बच्चन जी कहते हैं, मैं भी इस संदेश को लेके फिरा, हर किसी को मैं बताने की कोशिश किया, लेकिन वो क्या बताए, मुझे पागल बताए, विक्षिप्त बताए, नीच बताए, निचले स्तर के आदमी बताए। लेकिन अब प्रकृति स्वयं बोल रही है बुलबुल के सहारे। जो मैं कहा था लोगों की समझ में नहीं आया, स्वीकार नहीं किए, लेकिन अब वक्त आ गया है, बुलबुल यानी प्रकृति स्वयं बोल रही है। अरे मिट्टी के पुतलों, आज सुनो अपने कानों को खोलकर। मिट्टी के पुतलों, जो सहज ढंग से जीने वाले, बिल्कुल प्रतिक्रिया न देने वालों को कहते हैं मिट्टी के पुतलों। सुनो, सुरा पी मद पी कर मधुपान, ये बुलबुल की आवाज में वो कहती है, मस्त रहो क्योंकि संघर्ष करते करते तुम थक गए हो, मजे से रहो। यही श्यामल नभ का संदेश है, यानी ये आकाश का संदेश है, चमकते हुए चार तारों का संदेश है, मलय मारुत के जो सुरीले सॉरी सुरभि से भरा मारुत का भी यही संदेश है, और कोमल यानी कलियों के भाई वही आवाज है, पुष्पों से भी यही संदेश है। यही ले ले उठती संदेश, यानी पानियों का, यानी जहां पानी बहती है, नदियों के लहरें उठती है, वहां का भी वही संदेश है, लहरों का भी। सो हर कहीं ये संदेश है, बुलबुल बोल रही है, इन सब से प्रतिनिधि बनकर बोल, यानी ये हवा हो और नदी के लहरें हो, तारे हो, शशि हो, सो सब के प्रतिनिधि बनकर ये बुलबुल कह रही है, वो कहते हैं। अरुण हाला से प्याला पूर्ण ललक था, उद्मुखता के साथ निकट आया है तेरे आश, तेरे सामने
मदिरा का प्याला तेरे सामने आई है, लेकिन तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। अपने आप को भक्त कहते हो, लेकिन मैं कहूंगी तुम पाषाण हो, पत्थर हो, भावना रहित हो। हम तो मामूली लोग हैं। मदिरा से कौन बच सके हैं? ऋषि मुनिया मुनियों के साथ देवता भी उसका उपयोग कर चुके हैं, और हम तो वैसे ही बिल्कुल मामूली लोग हैं। हमें लघु मानव को क्या लाज, हमें शर्म करने की क्या बात है? गए मुनि देवों की मन डोल, उनको भी वो आनंद दे चुके हैं और वो भी उसके जाल में आ चुके हैं। सरसता से संयम को जीत रही बुलबुल डालों पर गुण, लेकिन संयम के साथ उसके आनंद ले लो। जिन्हें जीतना कठिन है वो कहते हैं कहीं दुर्जय देवों का कोप है। ऐसे कहा जाता है जब अनहोनी घटनाएं कहते हैं तो भगवान की खोप है। कहीं तूफान है, कहीं भूचाल है, भूकंप है, कहीं प्रलयकारी बाढ़ है, कहीं सर्वभक्षणी ज्वाल है, आग है, जो हर कहीं त्राही त्राही मचाने वाले संदर्भ है। कहीं मानव के अत्याचार है, कहीं दीनों की दाहिने पुकार है, जो समस्या में झंझट में फंसे हुए लोगों के दीन रोने हुए यानी रोदन है, दबा क्रंदन सब हर जगह है। यदि तुम्हें इन्हें भूलकर आनंदित होना चाहते हो तो बुलबुल कहती है तुम उसे मजा लेने की कोशिश करो, क्योंकि वो कहते देखिए क्योंकि इन सब से दूर करना या ठीक करना हमारे बस की बात नहीं, भले हम कोशिश करेंगे और जब हम असहाय हैं तो इसलिए वो कहते हैं। और इसके साथ विभाजित करती मानव जाति, हम काश ये दुनिया में आप देख सकते हैं, अब आपसे छिपी नहीं है, जगह जगह बाउंड्री है, इस देश उस देश, ये जाति ये धर्म, ये कितने सारे बाउंड्रीज है। बच्चा पैदा होता है बहुत सरल ढंग से, कोई भी बच्चा जानबूझकर मैं इस देश में इस परिवार में मैं पैदा हूं ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल निसर्ग की प्रक्रिया है। लेकिन पैदा होने के बाद कितने सारे बंधन, इसलिए वो कहते हैं। और दीवार, देशों की दीवार विभाजन करने हैं उसे, इस दीवारों से ऊपर उठना चाहिए। ये हमारे हाथ में नहीं है, जो हमसे पहले लोग इसे बना के रखे हैं। और हर जगह क्या है, घृणा खा देते हैं उपदेश, तिरस्कार लोगों से, मानव मानव के बीच में घृणा पैदा करते हैं। धर्मों के टेकेदार खुला है सबके हित सब काल हमारी मधुशाला का द्वार, लेकिन इन सारे घटनाओं के कारण जो चिंतित है उनके लिए मधुशाला का दरवाजा खुला है। आप सुख लेने के लिए और इन सारे दर्द भरे घटनाओं से दूर आने के लिए चाहते हैं तो मधुशाला खुले हैं। जो जीवन में विष घोल रही है उसे भूलने के लिए, आनंदित होने के लिए, एक क्षण पास पास से प्रेम और एक क्षण डाल डाल पर खेल। बुलबुल अभी इस ब्रांच में, इस शाखा में बैठी है, और कभी उसमें, कभी कभी ऐसा लगता है देखिए चंद सूर्य पक्षी चिड़िया में कैसे एक क्षण पल फूल से उसने करती है, और कभी एक क्षण में वो चांद के साथ या चिड़ियों के साथ अपने साथी पक्षियों के साथ वो प्रेम करती है। अभी है जिस क्षण का अस्तित्व, दूसरे क्षण में उसकी याद। अभी जो हम काफी खुशी से समय बिता रहे थे, थोड़ी देर बाद ये यादें बनकर रह सकती है। याद करने वाले यदि शेष रहेगा नहीं, क्या संभव क्षण बर्बाद, यानी ये यादें फिर दोबारा नहीं हो सकता। आनंददायक घटना हो तो उसे दोबारा हम महसूस नहीं कर सकते। उड़े अज्ञात दिशा की ओर पखेरे प्राणों के पर खोल, सजग करती जगती को आज रही बुलबुल डालों पर बोल। सजग करती बुलबुल हमें जागृत यानी हमारे वास्तविकता की चित्रण देती है, जगाने की कोशिश करती है। हमारा अमर सुखों का स्वप्न जगत पर विपरीत विधान। हमारे स्वप्न बहुत सुंदर है, सरल है, लेकिन इस दुनिया का विधान जो है, प्रतिबंध जो है वो उल्टा है, हमारे निरीक्षा के विपरीत है, हमारी इच्छा के प्रतिकूल है। झुककर इसके आगे शीश नहीं, मानो ने मानी हार, मिटा सकने में
यदि असमर्थ बुला सकते हम यह संसार। इन सारे झंझट को, इन सारे समस्याओं को, इन सारे प्रतिबंध को या अनुशासन को हम मिटा नहीं सकते तो भूल तो सकते हैं, उसे थोड़ी देर के लिए हम बाहर आ सकते हैं। इसे बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, हमारी लाचारी की एक सुरा है, औषध है अनमोल, ये बहुत अमूल्य है। जब हम पूरे स्थिति को ठीक नहीं कर सकते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम आनंदित तो हो सकते हैं, तो उसके लिए ये मधुशाला और ये मधु हमें बिल्कुल रास्ता देगी, यही वो कहते हैं। जो जीवन से संतुष्ट है उसे इससे क्या, और इस दुनिया से वैराग्य है उसे क्या। बुलबुल बहुत सारे विचारों को व्यक्त कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को पहले से वो संतुष्ट है, स्थिति को अपना चुके हैं, और कुछ लोग स्थिति से वैराग्य है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो इन लोगों से क्या। तो इसलिए वो कहती है, हमें जगजीवन से अनुराग, हमें जगजीवन से विद्रोह, हम इसे क्या समझेंगे लोग जिन्हें सीमा बंधन का मोह, जिसे जीवन में प्यार है उसे बेहतर बनाने के लिए विद्रोह करना है। ये बाकी लोगों के लिए नहीं है, जो सब कुछ मान के बैठे हैं और स्वीकृत कर चुके उनके लिए नहीं, जो इसे देखकर संवेदनशील है उनको थोड़ी देर के लिए। करे कोई निंदा दिन रात, बुलबुल के बात सुनकर जो मधुपान करने वालों के बारे में जो भले ही दिन रात डांटते रहे, चिल्ला चिल्ला कर अपयश के बारे में डोल पीटते रहे, खरे कोई निंदा दिन रात, सुयश का पीटे कोई डोल, किए कानों के अपने बंद, रही बुलबुल डालो पर बोल। बुलबुल के खिलाफ भी बहुत सारे, यानी इन विचारों के खिलाफ भी आवाज उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भले ही जो इस तरह का जो आवाज उठाने वाले हैं, उल्टे सीधे डोल पिटाने वाले हो तो पिटते रहे। अपने कानों को बंद कर बुलबुल की तरह मदमस्त गायन करेंगे, तमाम दुखों समस्या के बावजूद भी हम आनंद लेने की कोशिश करेंगे। वो काफी सुंदर ढंग से इसमें व्यक्त करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जो अपने बुलबुल के आवाज में जो विचार व्यक्त करते हैं, ये मत समझना कि वो बिल्कुल शराबी बनने के लिए लोगों को तत्पर करते हैं, बिल्कुल नहीं। आप उनकी जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो पता चलता है, 1907 से 2003 तक रहे हुए एक लगभग 96 यानी 96 साल के करीब जीने वाले तो सचमुच ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति है। अपने 28 साल में वो लिखे हैं, यानी 85 ईयर्स बैक वो मधुशाला के बारे में लिखते हैं, तो उन दिनों में ये बिल्कुल क्रांतिकारी विचार है। आज हम हर जगह, हर फिल्मों में, हर कहीं ये धूम्रपान मद्यपान करने के दृश्य को देखते हैं। इसके अलावा हमारे सामने कोई मनोरंजन नहीं, इस तरह चित्रित करने वाले लोग हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है, ये रिस्पॉन्सिबल ड्रिंक, यानी उस पर एक संदेश दिया जाता है, धूम्रपान और मद्यपान हानिकारक है, जानलेवा है, आपको ये समझ लेना चाहिए। जिंदगी वैसे लगता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमसे पहले पैदा हुए लोग बहुत कुछ समस्याओं को कड़ा कर दिए है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसे हम जितना चाहे कोशिश करेंगे ठीक नहीं हो सकता है, तो थोड़ी देर ही सही तुम अपने लिए आनंद लेने की कोशिश करो। काफी अर्थपूर्ण ढंग से बच्चन जी इसे अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये और ये इतने विस्तृत विचार है, इसे एक या कम समय में व्यक्त करने के लिए नहीं है, सीमा बंद में हम इसके विचार को पूरी तरह न्याय नहीं दे सकते। बहुत अर्थपूर्ण ढंग से हरिवंश राय बच्चन अपने विचार व्यक्त किए हैं। प्रणाम।